बॉलीवुड में कुछ हीरोइंस ऐसी हैं जिन्होंने पहले पर्दे पर पिता और पुत्र दोनों के साथ इश्क फरमाया है। जानते हैं ऐसी ही 6 हीरोइंस के बारे में। अमृता सिंह, सनी देओल की पहली फिल्म बेताब की हीरोइन अमृता सिंह थी। किसी ने तब सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर ये सनी पुत्र के पिता गरम धर्म की हीरोइन भी बनेंगी। फिल्म सच्चाई की ताकत में अमृता को धर्मेंद्र की हीरोइन बनने का अवसर मिला। फिर आती है डिंपल कपाड़िया। डिंपल कपाड़िया के नाम पर तो और भी बड़ा रिकॉर्ड है। वे धर्मेंद्र, सनी के साथ साथ विनोद और अक्षय खन्ना की भी हीरोइन बनी। डिंपल ने जहां धर्मेंद्र के साथ बंटवारा, शहजादे जैसी फिल्में की, तो दूसरी ओर सनी के साथ अर्जुन, गुनाह, आपका गोला, मंजिल मंजिल जैसी फिल्मों में इश्क फरमाती हुई नजर आई। विनोद खन्ना के साथ डिंपल ने खून का कर्ज, इंसाफ जैसी फिल्में की। अक्षय खन्ना के साथ वे दिल चाहता है में नजर आई, जिसमें कम उम्र के युवक का अधिक उम्र की महिला के प्रति आकर्षण को दर्शाया गया था। फिर आती है माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित ने दयावान में विनोद खन्ना के साथ रोमांस किया। फिल्म में उन्होंने इतना हॉट किस दिया कि आज भी लोग इस सीन को देख कर आश्चर्य में डूब जाते हैं। मोहब्बत में उन्होंने अक्षय खन्ना के साथ मोहब्बत की। बात करें हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म है सपनों का सौदागर। उसमें राज कपूर उनके नायक थे। इसके बाद हेमा मालिनी ने राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर के साथ हाथ की सफाई की। राज कपूर के मंझले बेटे ऋषि कपूर के साथ भी वे एक चादर मैली सी में नजर आई थी। श्रीदेवी, धर्मेंद्र के साथ बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने नाकाबंदी की, जबकि सनी देओल के साथ वे चालबाज, निगाहें, राम अवतार सहित कुछ फिल्मों में नजर आई थी। बात करते हैं जया प्रदा की। जया प्रदा ने धर्मेंद्र के साथ गंगा तेरे देश में, कुंदन, ऐलाने जंग, मर्दों वाली बात, कयामत, फरिश्ते, शहजादे, न्यायदाता जैसी फिल्में की। वहीं सनी देओल के साथ वे वीरता और जबरदस्त में हीरोइन के रूप में नजर आईं।